रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। माननीय महारा देवी के मंदिर में आने से हर मनोकामना होती है पूर्ण। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सैदाबाद में स्थित माननीय महारा देवी मंदिर, जहां पर लगती है भक्तों की कतार और पूरी होती है हर मनोकामनाएं। आइए जानते हैं कैसे पड़ा ने महारा देवी का नाम। इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। मंदिर प्रबंधन की माने तो बहुत पुराना एक नीम का पेड़ था जो पूरी तरह सूख गया था। वहीं पर पेड़ के नीचे भक्त ने एक मूर्ति को स्थापित किया और चमत्कार तो तब हुआ जब वो सूखा पेड़ हरा वृक्ष बन गया। उस समय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार के रूप में देखा गया और तब भक्तों को यह महसूस हुआ जब वृक्ष हरा हो सकता है तो इनकी पूजा अर्चना से हमारे दुख कष्ट दूर क्यों नहीं हो सकते। इस कारण यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और माननीय महारा देवी के नाम से देश में मशहूर हुआ। आज आप देख सकते हैं कि मंदिर भक्तों की किस प्रकार से कतार लगी हुई है और दूर दूर से लोग आकर अपनी मन्नतों को पूरी करते हैं। यहाँ के कार्यभार सीमा सिंह द्वारा देखा जाता है। अंगूठी जंजीर के विशेष ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग कहना है। मैं यहाँ की सीमा सिंह मंदिर की प्रबंधक बोल रही हूँ। निबहरा देवी का नाम निबहरा देवी कैसे पड़ा, मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रही हूँ। बहुत साल पहले यहाँ पे नीम का पेड़ था जो कि एकदम सूख गया था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये पेड़ कभी भी हरा हो सकता है। तभी मेरे जो ससुर थे रुद्र प्रताप सिंह, वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया नीम के पेड़ के नीचे। उन्होंने ये मूर्ति रखा, तभी वो फिर वो रात को अपने घर चले गए। तभी सुबह आके लोग मूर्ति पे जल चढ़ाने लगे। एक ने चढ़ाया, दूसरे ने चढ़ाया। फिर तीन चार दिन में वो जो पेड़ था, जो नीम का पेड़ था, उसमें पत्तियाँ निकलने लगी, शाखाएँ निकलने लगी और वो इतनी जल्दी वो पेड़ इतना हरा भरा हो गया कि किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये पेड़ इस तरह से हरा भरा हो सकता है। तभी से देवी का नाम निबहरा देवी पड़ गया। सैदाबाद से हरिशंकर पटेल की एक रिपोर्ट।